Chhattisgarh has been famous for its mythological and historical significance since time immemorial. Known as South Kaushal Pradesh in the history, it is also called the rice ball. Chhattisgarh also happens to be the birthplace of Baba Guru Ghasi Das and workplace of Kabir Sahib. One would feel the sense of affinity everywhere in Chhattisgarh. The traditional tribal culture is the hallmark of forest-rich Chhattisgarh. The long-cherished dreams and aspirations of the people of Chhattisgarh were fulfilled with the formation of a new state on 1st November 2000. Subsequently, the Chhattisgarh Vidhan Sabha also came into existence with the formation of a new state. The Chhattisgarh Vidhan Sabha has maintained its own distinct identity since its inception. The glorious journey of the Chhattisgarh Vidhan Sabha is going to complete two decades. छत्तीसगढ़ का इतिहास ही गौरवशाली रहा है। ये हमारा ये माना जाता है कि कौशल प्रदेश, कौशल्या जी का क्षेत्र, रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ियों के भांजे, तो ये हमारा इतिहास और संस्कृति शुरू से छत्तीसगढ़ का वैभवशाली रहा है। और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि इस पांचवें विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया, काम करने का अवसर दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने उच्च पद पर आकर यहाँ अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में कुछ कर पाऊँगा, मगर बड़ा आनंद आ रहा है। पहले दिन से ही मैंने कहा था कि ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, इस संस्कृति को, इस भावना को लेके मैं विधानसभा में काम करूंगा। वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महन जी पूर्व में मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार की उनकी सोच समझ छत्तीसगढ़ माटी के लिए तो ही है, पर जनता के लिए या एक व्यवस्थापिका की जो व्यवस्था है उनके बारे में जो एक सोच है, उनके बहुत ही सराहनीय सोच है। द रिमार्केबल अचीवमेंट्स विंडिकेट द फैक्ट दैट द छत्तीसगढ़ विधानसभा इज वन ऑफ द टॉप रेटेड स्टेट असेंबलीज इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा हैज मेड इट्स मार्क राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ रोल मॉडल नॉट ओनली इन द पार्लियामेंट्री फ्रेटर्निटी बट इन द इंटरनेशनल फोरम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, the Chhattisgarh Vidhan Sabha is the first such assembly in the country where a system has been evolved with the consent of all the members that during the debate on any issue, during the proceedings of the house, if any member or members enter in the well of the house, he or she would be automatically suspended. This rule of suo moto suspension followed in Chhattisgarh Vidhan Sabha has been praised in almost every parliamentary forum. पंचम विधानसभा का गठन दिसंबर 2018 में हुआ था और 4 जनवरी 2019 को अध्यक्ष रूप में डॉक्टर चरणदास जी महंत, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका निर्वाचन हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्वाचन के पश्चात से ही छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय क्षेत्र में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जहाँ विधानसभा के संचालन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न अवसरों पर माननीय मंत्रीगणों को निर्देश दिए हैं ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके। वहीं दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक जो विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के ऊपर छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक 2 दिवसीय विशेष सत्र हुआ था, जो पूरे देश में संभवतः सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ही हुआ। परंपराओं को पालन करने में छत्तीसगढ़ विधानसभा अद्भुत रहा है। यहाँ का जो हम लोगों ने तय किया कि गर्भगृह में कोई जाएगा नहीं, अध्यक्ष जी के आसंदी के आदेशों को पूरा मानना पड़ेगा, गर्भगृह में जाते ही अपने आप समय निलंबन की कानून, इसको देश ने स्वीकार किया हुआ है। हम लोग जब पार्लियामेंट में सचेतकों की बैठक हुआ करती थी तब हम लोग गए थे तो हर बार लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो ये उच्च मापदंड है वो सारे हिंदुस्तान में लागू किया जाना चाहिए। Among the guests who have come on various occasions so far,
To further add to the dignity of Chhattisgarh Vidhan Sabha, the first name that appears in the mind is that of the then President Bharat Ratna, late Dr. APJ Abdul Kalam. He had addressed the honorable members in this Legislative Assembly on 20th January 2004. Similarly, a conference of presiding officers and secretaries of the various legislative bodies in India was held from 14 to 18 November 2005. The then Lok Sabha Speaker, Mr. Somnath Chatterjee, Deputy Speaker Mr. Charanjit Singh Atwal, and Rajya Sabha Deputy Chairman Mr. K. Rahman Khan had participated along with the presiding officers and secretaries of the various legislative bodies in India, had also attended this conference. The Naxal problem in the state of Chhattisgarh was also discussed and debated in this house, keeping the potential threat to internal security of the state in the view. This debate was held as a confidential discussion on 26th of July 2007. Unlike the established tradition and the general procedures of the State Assembly, with the consent of Honorable Chief Minister and Honorable Leader of the Opposition, the 4th Commonwealth Parliamentary Conference of Asia-India region was also organized by the State Assembly from 25th to 29th of October 2010, in which parliamentary heads of many countries expressed their views. All the invited representatives mentioned the humility and the folk culture of Chhattisgarh as their fond memories and the most cherished experience of their visit. Furthermore, the then President of India, Srimati Pratibha Devi Singh Patil, had also addressed the honorable members of the State Assembly on 24th of June 2011. During her visit, she had also inaugurated the newly constructed Central Hall in the Assembly building. The then Lok Sabha Speaker, Honorable Mrs. Meera Kumar, had addressed the members of the Chhattisgarh Vidhan Sabha on 31st January 2014. And the then Lok Sabha Speaker, Honorable Mrs. Sumitra Mahajan, had also addressed the newly elected members in an orientation program on 15th of July 2015. In a gesture to pay respect to the Chhattisgarhi dialect, a bill was tabled in the State Assembly on 27th of November 2007, announcing Chhattisgarhi dialect as the official language of the state. Similarly, the process of instant translation of the proceedings of the Chhattisgarh Vidhan Sabha from Hindi to Chhattisgarhi and vice versa was also started, which is still continues. Chhattisgarh mein sabse pehle to jo manya paramparaon hain unka palan kiya jata hai aur uske saath hi saath mein Chhattisgarh mein sarkar kisi ki bhi rahi ho, speaker koi bhi bane ho, lekin yahan marshal ka upyog nahi hua hai. आज के समय में ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी बात है. मैं धन्यवाद दूंगा चरणदास महंत जी को, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं. उन्हें संस्कार मिला हमारे उनके पिताजी महंत बिसाहू दास जी से, जो संसदीय ज्ञान के ज्ञाता थे और उस परंपरा को आगे बढ़ाए. और चरणदास जी भी, वो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा मध्य प्रदेश का हो, मंत्री की हैसियत से हो, यहाँ उनकी तीन छत्तीसगढ़ के विधानसभा हो, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका, उस गरिमा को आगे बढ़ाने का काम किया है. इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर चरणदास महंत व्हेन ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन हैड टू कमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड टू पे होमेज टू द फादर ऑफ द नेशन. Thanks to the deep interest of the Honorable Assembly Speaker, Dr. Charandas Mahant, towards reading a variety of books on history and culture, the preparation for this session had also been made quite especially. That is why, during this two-day session, the views shared by Honorable Members of the Legislative Assembly revealed some of the rare facts regarding the contribution of Mahatma Gandhi in politics and freedom movement, which were not there in the public domain. The media also highlighted these rare facts prominently for the audience and readers. इस बार सबसे अद्भुत काम ये हुआ है प्रदेश में
जो सभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ, कि मैंने सोचा कि चूँकि 150वां वर्ष मना रहे हैं पर गांधी जी का, तो क्यों ना इसके लिए गांधी जी के अनुरूप ही कुछ दिखे। ये मेरे मन में आया, तो मैंने लोगों से बातचीत की, मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, मुख्यमंत्री जी ने सहमति प्रदान की, यहाँ आके बैठक हुई कि भाई बड़ा भव्य तरीके से मनाएंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने सबको एक रंग के कोसे से बना हुआ कपड़ा पहनने के लिए निवेदन किया, सब ने स्वीकार किया। दो दिन तक सिर्फ गांधी जी पर चर्चा हुई, लोगों ने गांधी जी को पढ़ा, गांधी जी को समझा। आज की तारीख में, आज की तिथि में गांधी जी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हो सकते हैं, इसको लोगों ने समझा और बड़े अच्छे मूड में, बड़े अच्छे समन्वय के साथ पूरी चर्चा चलती रही। और एक बहुत अच्छा दो दिवसीय कार्यक्रम जो हुआ है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। और ये मैं मानता हूँ कि मेरे इस 5वां विधानसभा जो चल रहा है उसका इतिहास तो बनेगा, और पूरे इतिहास के रूप में ये आने वाले समय में जाना जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर चरणदास महंत ने एक प्रस्ताव दिया कि विधानसभा में गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दो दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हम पहले राज्य हैं जो इस प्रकार के आयोजन किए हैं, और बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से उसका आयोजन हुआ है। और उसी दिन हम लोगों ने एक जो 4-5 कार्यक्रम जो गरीब लोगों के लिए शुरू किए, जिसमें मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना है, और साथ ही हाट बाज़ार शहरी स्लम क्लिनिक योजना है, और पौनी पसारी योजना है, और ग्राम स्वराज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इससे जो गांधी जी के मूल जो भावना थी कि वो कहते थे कि भारत के आत्मा गांव में बसती है, और गांव जब तक के आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक के ग्राम स्वराज जब तक के नहीं होगा तब तक के भारत संपन्न नहीं हो सकता। तो उसको साकार करने के लिए विधानसभा में भी चर्चा हुई है, और सरकार भी, छत्तीसगढ़ सरकार भी उसके लिए कटिबद्ध है। In an attempt to maintain the glorious traditions of Chhattisgarh Vidhan Sabha, the role of the speakers till now have been very important. So much so that the present speaker has taken innovative steps to add new chapters in the great legacy of Chhattisgarh Vidhan Sabha. Assembly Speaker Dr. Charandas Mahant has also played an important role in this regard. Recently, a two-day special session was organized in the Chhattisgarh Legislative Assembly on 2nd and 3rd October last year, on the auspicious occasion of the 150th birth anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi. In order to make this occasion memorable, all the honorable members in the assembly were requested to maintain a dress code. Thus, all the male honorable members were provided kosa kurtas, pajamas and tailor-made kosa jacket. Likewise, all the honorable women members were also provided kosa saris and salwar suits. Even all the honorable Lok Sabha and Rajya Sabha MPs of Chhattisgarh state were also provided the same uniform, and group photographs of all the honorable MPs and honorable members were also taken to mark the occasion. This was indeed a cherished moment which would be remembered for long in the history of Chhattisgarh Vidhan Sabha. In addition to this, the photo exhibition based on the life and contribution of Gandhiji was also organized to mark the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Simultaneously, commemorative lectures on Gandhiji were held, and a drama titled Kasturba Ke Gandhi was also staged by well-known theater artist from Delhi, Mr. Tikam Joshi. 150वीं जयंती महात्मा गांधी जी के आयोजन को उन्होंने भव्य रूप दिया। पूरे देश में अगर कोई विधानसभा अग्रणी रूप से इन मामलों में आगे रही तो वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है। उस दिन दिनभर अनेकों कार्यक्रम हुए। डॉक्टर चरणदास महंत जी जब अध्यक्ष की कुर्सी पर रहते हैं तो वो कबीर जी के ग्रंथों का सहारा लेते हैं, कबीर की वाणी का सहारा लेते हैं, और कबीर की वाणी से
वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं और हम अगर कहीं भटक रहे हों तो सीधे रास्ते पर भी लाते हैं, या सत्ता पक्षी लोग अगर भटक रहे हैं तो उनको भी सीधे रास्ते पर लाने का काम डॉक्टर चरणदास महंत करते हैं। पूरे विधानसभा की एक लंबी प्रक्रिया होती है, हमारे सुरक्षा स्टाफ से लेकर के जो सचिवालय के स्टाफ हैं उनसे लेकर के प्रमुख सचिव भी हम सबको उपलब्ध रहते हैं। कभी किसी मामले पर सलाह मशवरा करने के लिए उनके पास जाते हैं तो सही मार्गदर्शन भी देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा को 20 साल हो गया, पिछले कार्यकाल में भी इस कार्यकाल में भी बहुत ही अच्छा वहाँ का संचालन रहा और इस प्रदेश के मैं कहूँगा कि बहुत ही वरिष्ठ जो अनुभव रखते हों केंद्र में भी जिन्होंने राजनीति किए, आदरणीय श्री चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तो सदन को बेहतर गति दे रहे हैं और दल से अलग हट करके एक समान नज़रिए से देख करके हम सभी लोगों को बराबर अवसर देते हैं क्षेत्र की समस्या रखने का, लोगों के हित में बात करने का और विधानसभा में वो पूरे अवसर हम सभी लोगों को देते हैं। On the very first day of the November-December session of the State Assembly last year, Honorable Speaker Dr. Charandas Mahant announced on 25th of November 2019 that before the commencement of the proceedings, the state song Arpa Pairi Ke Dhar would also be sung along with the national song Vande Mataram. Similarly, a special discussion was held on 26th of November 2019 to mark the 70th anniversary of the day on which Indian Constitution had been adopted. Furthermore, the Honorable Speaker took a special initiative on 28th of November 2019 to conduct the entire proceedings of the day in Chhattisgarhi language to mark the Chhattisgarh Raj Bhasha Divas. Moreover, to commemorate the contribution of the great leaders of the country, the oil paintings of the father of the nation Mahatma Gandhi, Sardar Vallabh Bhai Patel, Mrs. Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi were also decorated in the central hall of the Assembly Secretariat. Thanks to the sincere efforts of the Honorable Speaker Dr. Charandas Mahant, many important issues of public interest have also been discussed in the Vidhan Sabha during his tenure till now. Dr. Mahant has won the hearts of not just the ruling bench members but also from the opposition because of the systematic and smooth conduct of the session. When it came to the matter of public interest, on many occasions he has even compelled the ruling party members to give proper reply to the question raised by the opposition members. Hence, Dr. Charandas Mahant has taken a remarkable initiative as the Speaker of the Legislative Assembly to strengthen the democracy in Chhattisgarh. He had a very long experience to witness the proceedings of the Legislative Assembly while working as a minister in the state government in the undivided Madhya Pradesh. Besides, while working as the Union Minister of State for Agriculture in the UPA government headed by Dr. Manmohan Singh at the center, Dr. Mahant got a vast experience in the functioning of the Lok Sabha also. This way, he continued to understand the functioning of the ruling party as a senior politician and minister. That is why, when he got the responsibility of the Speaker of the Chhattisgarh Vidhan Sabha, he had no difficulty in running the house. In his first session of the Assembly, after taking charge, he quoted a famous couplet of Kabir Sahib, assuring the opposition members that they should have no confusion and fear. The couplet reads, Kabira khada bazaar mein, sabki mange khair, na kahu se dosti, na kahu se bair. This quote of Mahantji towards the role of a speaker can be called a unique example of parliamentary tradition. The balanced working style of Honorable Dr. Charandas Mahant also established the fact that soon after accepting the speaker's post, he left the role that of a senior Congress leader and broke the confines and rose above the party politics in the larger interest of the people of his state. Honorable Dr. Charandas Mahant continues to fulfill the responsibilities with utmost impartiality. He has been openly appreciated by the opposition. Dr. Charandas Mahant
during his tenure until now has given equal time for discussion on matters ranging from paddy purchase to the Naxal problem of the state, or the issues like royalty of the mineral to the farmers, etc. He asked the state government also to take initiative on many issues of public interest in Chhattisgarh also, when the matter related to the theme of Narwa, Garwa, Ghurwa, Bari came for debate. Respecting the sentiments of the members, he allowed them to speak in Chhattisgarhi in the house. मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में हम लोग जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि के रूप में, वो प्रतिनिधि यहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी बात को रख पाते हैं कि नहीं, आपकी बात को रख पाते हैं कि नहीं, आप उसको देखो। मेरी तो इच्छा है कि विधानसभा, जिस तरह लोकसभा का पूरा कार्य दिखाया जाता है टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, अगर इसको दिखाया जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाया जाए, अगर एक कर पाऊँगा तो बहुत अच्छा होगा कि हमारा पंचायत स्तर का भी प्रतिनिधि हमको देखेगा, मुख्यमंत्री जी को देखेगा, सीखेगा, जानेगा, समझेगा, और तब ये लोकतंत्र की एक अच्छी मिसाल हम और दे पाएंगे। ये प्रदेश शुरू से जाना जाता है, कबीर साहब की धरती है, बाबा गुरु घासीदास जी की धरती है, इन लोगों ने शांति का संदेश दिया है, सद्भाव का संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है, तो हम एक दिखें, ये मेरी मंशा रहती है, और सब लोगों ने इसमें अपना समन्वय दिखाने का प्रयास किया है, मैं संतुष्ट हूँ। Right from the beginning of Dr. Mohan's tenure, so many new initiatives and new experiments have taken place in the State Assembly. He has taken many new steps, and it can be expected that he will continue to give importance to the subjects in the House which reflect the original aspirations and spirit of the tribals, the villagers, and the farmers. And he would help the members to discuss the issues which are directly connected to them. The working style of Honorable Dr. Charandas Mahant indicates that he wants Chhattisgarh Vidhan Sabha to be the house of expression of rural people of the state, and only then this house would be able to symbolize the real power of democracy.